एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पर आज अनुसूचित जाति विकास परिषद जिला डूंगरपुर तथा भीमार्मी सागवाड़ा द्वारा पाली जिले के बाली में जितेंद्र पाल मेघवाल की सरेआम चाकुओं से गोलकर हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गत 15 मार्च को पाली जिले के बाली में जितेंद्र पाल मेघवाल की कुछ लोगों द्वारा सरेआम चाकू से गोलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के विरोध में पाली सहित प्रदेश भर के संपूर्ण समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के विरोध में आज सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पर अनुसूचित जाति विकास परिषद तथा भीमार्मी सागवाड़ा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि मृतक जितेंद्र पाल मेघवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही मामले में जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करवाकर प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित सुनवाई की जाए तथा आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। सर बताइए, आज जो आपने ज्ञापन उपखंड अधिकारी साहब को सौंपा है तो क्या घटना घटी थी उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत राजू भाई, एकता समाचार और ये सागवाड़ा न्यूज लाइव दोनों संपादकों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत। सर ये घटना घटी है कि पाली जो जिला है वहाँ पे बाली और बाली में बारवा करके गाँव है, वहाँ पर जितेंद्र पाल मेघवाल नाम का व्यक्ति था जो मूंछ रखता था, जिस मूंछ के कारण कुछ कतिपय लोगों ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके विरोध में हम आज पूरे सागवाड़ा के और पूरे ज़िले के SC ST के सभी लोग हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि वास्तव में अभी ये सब आज पूरे भारत में सबको समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार होते हुए कोई मूंछ रखे, कोई घोड़ी पे चढ़े, कोई क्या नहीं करे तो इस पर इस प्रकार की घटना जो घटती है तो वास्तव में ये निंदनीय है और हम पूरा पुरजोर से हम ये विरोध करते हैं कि वास्तव में ऐसे जो पूरी समाज इसमें बदनाम नहीं है, कुछ लोग ये ऐसा गंद वातावरण पर हमारे देश भारत में इस प्रकार का वैमनस्य फैला के देश में बिल्कुल एक बहुत गलत न्यूज जाती है, जिस कारण हमारे लोग जो दलित हैं, जो हमारे SC समाज के लोग हैं, उनमें वास्तव में बिल्कुल विरोध प्रकट करते हैं हम कि इस प्रकार के जो दोषी लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए और ऐसे हमारे भारत का जो गरिमा है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम भारत के सभी समान लोग हैं, हमें सबको समान अधिकार है और इस प्रकार का यदि सरकार ने इस प्रकार का इसको कोई सज़ा कड़ी चढ़ी तो बहुत बड़ा आंदोलन हमारे दलित समाज छेड़ेगा। और मैं वास्तव में हमारे सभी लोगों का यहाँ पर पूरे भारत पूरे राजस्थान में आज सभी जिलों में इस प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है और वास्तव में मैंने ये कह रहा हूँ कि सभी समाज के लोग गलत नहीं हैं, कुछ लोगों की वजह से हमारा ये बदनाम हो रहे तो ये वास्तव में गलत हो रहा है और इसको पर सरकार इस पर पाबंद लगाए और सख्त से सख्त इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो जितेंद्र पाल है जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको 1 करोड़ की राशि दी जाए, उसके परिवार में 1 को नौकरी दी जाए और जो लोग इस अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसी मैं जिला अध्यक्ष मगनलाल होने के नाते मैं भी पुरजोर से हमारे समाज के साथ विरोध करता हूं। जय धन्यवाद, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये जो SC ST वर्ग के लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, वास्तव में आज़ादी के बाद भी इस तरीके की अगर मान लो घटनाएँ होती हैं तो काफ़ी शर्मनाक घटनाएँ और इससे SC ST का वर्ग काफ़ी दुखी है। राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है कि दलित उत्पीड़न बार बार होता रहता है तो वो वास्तव में ठीक नहीं है। सरकार सारी चीज़ आंख मूंद करके धृष्टराष्ट्र की तरह देख रही है और किसी भी प्रकार जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं वो खुलेआम इतना सारा अपराध करने के बाद भी खुले घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। साथ ही जहाँ भी समानता का अधिकार सभी को है तो क्या दलित समाज के लोग हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है, पहनावे का अधिकार नहीं है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे शादी ब्याह हो उनको आज़ादी नहीं है? तो इस
सरकार को ये होना चाहिए कि सभी के साथ में समानता का व्यवहार करें और उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। और जब कभी भी चुनाव होते हैं, जब जा कर के तो आप बातें मीठी मीठी करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं, लोगों का दिल जीतने का काम करते हो, और जब ये तकलीफ़ में होते हैं तब उनकी रक्षा करने के लिए आप क्यों दूर रहते हैं। तो मेरा तो इस पूर्व जोर संगठन के साथ में सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर पाबंदी लगाए। धन्यवाद। सद्भावना का तेज़ी से ह्रास हो रहा है और उसका कारण देश में कुछ 2-3% लोग ही हैं जो कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। उनको जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, उनका जो अधिकार है वो बर्दाश्त नहीं होता है और उस अधिकारों का हनन करके इन पर बहुत अधिक ज्यादतियाँ की जाती हैं। सरकार का दायित्व है कि उन जो 2-3% लोग हैं जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं श्री जितेंद्र पाल मेघवाल की जो हत्या हुई है और उसके लिए सरकार से हम चाहते हैं कि उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। अन्य जो किसी जाति का होता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा राशि दी जाती है। इसके अलावा उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इसके अलावा और भी सख्त सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि इस प्रकार के जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं वह समाप्त हो रहे हैं। सरकारें जो चाहती हैं देश का, राष्ट्र का निर्माण करना, और वास्तव में जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं, और जब उन पर ही इस प्रकार का अत्याचार किया जाएगा तो फिर देश है वो गर्त की ओर जाएगा। सरकार को ये सोचना चाहिए। धन्यवाद। मैं गुलाब जी यादव, पूर्व पार्षद नगर पालिका सागवाड़ा। आप पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे एससी के लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही, आज 75 साल होने के बाद भी, तो हमें बड़ा दुख है। इसलिए सरकार को, प्रशासक और पब्लिक सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसा कृत्य कहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि एससी के लोग हम कम नहीं हैं मगर हम कभी आगे नहीं आते हैं, क्योंकि हम शालीनता रखते हैं और हम समस्त जातियों को साथ लेकर चलने की जो परंपरा उसके साथ चल रहे हैं। नहीं तो हम भी ऐसे कृत्य कर सकते हैं मगर नहीं करेंगे। जो हमारे जो मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, वो अधिकार कहाँ गया? और सरकारें भी कहती है कि एससी एसटी, जब एसटी से भी एससी हम गरीब है उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनता नहीं है। और इस तरह से आज भी घटना होती है तो बहुत निंदनीय है। और उस परिवार को नौकरी, क्या परिवार को पूरा नौकरी दे और पैसे की तो जरूरत है, पैसा हम दे दें मगर वो आदमी वापस नहीं दे सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि सख्त सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और जो समाज हमारे साथ घोटालाघात कर रही है उनका भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे एससी के लोगों के साथ भी। आज कोई भी घटना हो तो वो निंदनीय है और सबसे मेरा निवेदन है कि हम एससी एसटी के साथ ऐसा कृत्य कभी भी नहीं होना चाहिए और आइंदा हुआ तो हम जन आंदोलन छेड़ेंगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।